Hey guys, welcome back to my channel. Hi channel. तो हम आ गए हैं और हम जो है ट्रेड फेयर की शॉपिंग का जो है हम आपके लिए व्लॉग लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है. और छोटा मोटा सामान सब कुछ है इसमें, जैसे खाने पीने का सामान होता है और जैसा भी है. हमने जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शॉपिंग नहीं की है, बजट भी तो देखना पड़ता है ना. लेकिन हाँ, हमने जो शॉपिंग किया है वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने जो है आपको बताया था कि हम क्या क्या खरीद के लाएंगे, हम बताएंगे आपको. और आपको तो पता है ना, हम खुली किताब है. तो हम आपको जो है, हमने पिछले साल भी जो है ट्रेड फेयर की शॉपिंग का व्लॉग बनाया था. अगर आपने देखा हो या नहीं देखा हो पता नहीं, तब तो नहीं, मतलब इतना ज़्यादा शायद एक्साइटमेंट नहीं होता था किसी को. हमारे खुद के ही जो है कुछ जो जान पहचान के हैं, मतलब हमारी भांजी वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह जो सब्सक्राइबर्स थे, वो लोग ही देखते थे. तो अभी तो ये रिक्वेस्टेड है कि आपने क्या क्या शॉपिंग की बताइएगा, तो इसलिए जो है हम शॉपिंग का जो अपना एक्सपीरियंस है वो लेकर आए हैं और हमने क्या क्या खरीदा है वो हम आपको दिखाएंगे. तो ज़्यादा शुरुआत करते हैं हरिदर्शन की अगरबत्तियों से. पिछले साल भी हमने हरिदर्शन की अगरबत्तियाँ खरीदी थी. हम हर साल जो है कोटा ले आते हैं पूरा, मतलब ये देखिए हमारा ये हिल रहा है. तो जो भी है, हमने आके किसी तरीके से जो है बाल बांध के आए, किसी तरीके से जो भी है ऐसे करके आ गए. हाँ तो इग्नोर कीजिए, है पीछे, ठीक है. तो हाँ, तो हमने ये ख़रीदा है, हरिदर्शन का वो ख़रीदा है. थोड़ा पीछे हो जाते हैं ताकि आपको चीज़ें दिखें. तो ये हरिदर्शन का जो है, ये एक बैग के साथ जो है आपको सामान मिलता है. ऐसा ये हमारा दूसरा या तीसरा बैग है, पता नहीं, शायद दूसरा बैग है. इसमें है अगरबत्तियाँ, ठीक है. और ये पूरे बैग में सिर्फ और सिर्फ अगरबत्तियाँ ही अगरबत्तियाँ है. ये देख सकते हैं आप, ये पूरा भरा हुआ है और बहुत सारी अलग अलग फ्रेग्रेंसेस में ये अगरबत्तियाँ हैं, क्योंकि हमारे घर में पूजा बहुत होती है, मम्मी बहुत पूजा करती हैं. तो अगरबत्ती साल भर का कोटा हो जाता है, एक मतलब ऑलमोस्ट एक या दो महीने का है वो, शायद हमको बाहर से खरीदना पड़े, अदरवाइज हमारा जो है इसी में हमारा शॉपिंग हो जाता है. तो ये बैग हमको हरिदर्शन की तरफ से मिला है और इसमें है अगरबत्तियाँ. तो ये पूरा जो सेट है, हम आपको प्राइस भी बता देंगे कि कितना जो है इसका अगरबत्ती वहाँ पे प्राइस पड़ रहा था. वो 200 से स्टार्टिंग है. 200 में वो एक नॉर्मल सा जो बैग होता है ना, वो माइक्रोफाइबर वाले बैग्स होते हैं, उसमें जो है दो तीन पैकेट अगरबत्तियों का आता है. तो स्टार्टिंग रेंज 200 रुपीज़ से होती है. फिर 200 के बाद शायद उनका 500 रुपये का एक बैग होता है, एक 1000 का होता है, एक 1500 का होता है और एक 2000 का होता है. तो हमारा ये है तो 1000 का बैग, लेकिन हमने अलग से कुछ प्रीमियम अगरबत्तियाँ हमें वहाँ पर दिखी थी, तो हमने जो है वहाँ पर 1000 के एक्स्ट्रा अगरबत्तीज़ जो है और भी खरीदे अलग से परचेज करके. तो इसमें जो है ये सेट 1000 वाला है जिसमें उन्होंने दिया है, लेकिन हमने 1000 की अलग से अगरबत्तियाँ और ख़रीदी हैं, जिसका इसका अगर आप पूरा वर्थ देखें तो ये 2000 का जो है हमें पड़ा है, अगरबत्तियाँ ही अगरबत्तियाँ, ठीक है. नेक्स्ट हम एक चीज़ लेकर आए हैं, ये हमको दो तीन सालों से लेना था. अरे इस तरीके से कौन गीट मारता है यार, तो हमारे मम्मी पापा का ही काम होगा ये. अब हमको गुस्सा आ रहा है, देखिए बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये अच्छा सा पॉलीथीन है, ये इसको हम यूज़ कर सकते थे. हालांकि अब इन्होंने गांठ लगा दिया तो हमको इसको फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना हमारे नेल्स नहीं है. अब हमको गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत गुस्सा आ रहा है. ये नहीं खुल रहा, हमके पूरा ब्लॉक है, इसके टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे. हम आपको बता देते हैं कि क्या है इसमें. अरे ये गिर गया, हमारे हाथ में बहुत दर्द है. वो इसलिए क्योंकि हमने जो है बहुत माल ढोया है, बहुत भारी सामान, बहुत भारी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके जो है चीज़ें भर जाती है ना. हाँ तो इसमें क्या है ये, हाँ इसमें हम बता देते हैं क्या है. इसमें एक मसाजर है जो कि आपको कुछ नहीं करना होता है, किसी भी चेयर के पीछे आप ऐसे लगा देंगे उसको, ठीक है, और इलेक्ट्रिक ऑन कर देंगे और आप ऐसे बैठ जाएंगे उस पर, तो वो पीछे अपना काम करता रहता है, ऐसे ऐसे कुछ होता रहता है उसमें, ठीक है. तो ये वो मसाजर है, इसका इस्तेमाल तो भाई हमारी मम्मी के लिए हमने ये लिया है, क्योंकि उनके पैरों में बहुत प्रॉब्लम होता है. ये पैरों में भी काम करेगा, आप जो है पैरों को ये चीज़, ये ऐसा है कि आप जो है पैर को
ऐसे आप रख देंगे बेड पे, ठीक है, और ये हटा देगा अगरबत्ती है भाई, हटा देते हैं। हाँ, तो अगर आप पैर को इसे रखते हैं, उसके नीचे आप इस चीज को रखते हैं, तो आपके जो ये पैर के अंडे, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इसको कुछ बोलते हैं ना, तो ये इस पे आराम मिलेगा। थाई के नीचे रखेंगे तो थाईस पे आराम मिलेगा, मतलब अगर आपके पैर में पेन है तो, ठीक है। हमारे तो यहाँ पे बहुत पेन है भाई साहब, यहाँ पे पता नहीं क्या ही होता है। हम ऑफिस में बैठते थे ना, तो वहाँ पे भी हमें बड़ी दिक्कत होती थी, हम ऐसे ऐसे करते रहते थे, तो वो तो अब थोड़ा उससे जो है हमको, हम भी ऐसे करके रिलैक्स होकर बैठेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो ये है, ठीक है, नेक्स्ट दिखाते हैं हम और क्या लेके आए हैं। हम बहुत दूर से दिखाई दे रहे हैं क्या? एक्चुअली हमने ना कैमरे को ऐसे सेट किया है ताकि हम आपको जो है दिखाई दे रहे हैं, वैसे दिखाई दे ही रहे होंगे। जब हमको चीज़ें बहुत करीब से दिखानी होगी तब हम आपको कैमरे को सामने देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, क्या है ये, इसमें तो आपको क्या ही दिखाएं हम, इसमें इसमें ये अनमोल की बिस्किट्स हैं, ठीक है, असॉर्टेड बिस्किट्स हैं, जैसे ये ड्रीम लाइट है, ये ऐसे बिस्किट्स हैं, और ये ऐसा जो चाय के साथ खाते हैं ऐसे बिस्किट्स का है ये, ठीक है, ये वाला भाई बिस्किट्स का एक और पैकेट था, 350 वर्थ के हमने बिस्किट्स खरीदे हैं, 350 अनमोल के स्टॉल पर हमने शॉपिंग की है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, सबसे पहली जो हमने शॉपिंग की थी वो थी ये है हैंड हेल्ड गारमेंट स्टीमर, और ये हमने खरीदा है, हमको बहुत दिनों से ये मन था खरीदने का। ये स्टीमर होता है, इससे ना आप अपने कपड़े जो हैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह वाले चीज़ें ना, आप इसमें पानी भर सकते हैं, यहाँ पे पानी का आपको ये दिख जाएगा, और उसके बाद आप इसका स्विच ऑन करेंगे और जो है ऐसे ऐसे करके अपने कपड़ों पे करेंगे तो जो है आपके कपड़े आयरन हो जाएंगे, प्रेस हो जाएंगे। कुछ चीज़ें जो है आप प्रेस नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल जॉर्जेट वगैरह की जो मम्मी की साड़ियाँ होती है ना, जिसमें बहुत सारा हैवी एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, वो भी इसमें स्टीम निकलती है, तो उससे आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं प्रेस, तो दिक्कत भी नहीं होती। और इससे उन्होंने बोला कि आप फेस पे स्टीम भी ले सकते हैं। फेस का स्टीम का क्या काम होता है वैसे, फेस में थोबड़े पे आप क्या काम करता है स्टीमर, थोबड़े पे नाक पे लेते हैं ना वो इवेपोरेशन उसके लिए, विक्स वेपोरअप की, लेकिन थोबड़े पे क्या, उन्होंने बोला कि आप जो है अपने थोबड़े पे भी ले सकते हैं, मतलब फेस पे भी ले सकते हैं। तो ये वो है, ठीक है, गारमेंट स्टीमर, ये उन्होंने हमको बोला था, इसमें हमने डिस्काउंट कराया है, ये हमको उन्होंने बोला था कि 1250 हम ये 900 में लेके आए हैं। हमको उन्होंने बोला कि फाइनल, अरे यार सब कुछ गिर क्यों रहा है, उन्होंने फाइनल प्राइस हमको बोला कि जो है हम 1000 में देंगे, हमने कहा नहीं हम 900 से पैसा कम नहीं, ज़्यादा नहीं देंगे, तो हमने बोला हम चले, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ले लीजिए, तो हमने ये ले लिया और हमने उनको ये दिया है 900 में, उन्होंने हमको ये दिया है, ठीक है, लोकल ही है वैसे तो। और अच्छा ये जो मसाजर है जो हमने बोला आपको चेयर के पीछे लग जाता है, इसका प्राइस है 3100, उन्होंने 3500 बताया था, हमने बोला 3000 में लेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं 3100 ही देने पड़ेंगे, तो हमने जो है ले लिया क्योंकि बहुत आराम हो रहा था हमें, तो हमको इसको छोड़ने का मन नहीं किया, वैसे भी 2-3 सालों से हमको ये लेना ही था, तो हम इस बार ले ही आए, ठीक है। आगे दिखाते हैं क्या लाए हैं हम, ये स्पार्क्स है, ठीक है, स्पार्क्स का जूता है, इसमें पिछले साल भी हम 2 या 3 जोड़ी लाए थे, इस बार एक ही जोड़ी लिया है और हमने पापा के लिए लिया है, ठीक है, क्योंकि उनको जो है सुबह जाना होता है मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए, तो वो कुछ ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे थे, तो सिंपल से जो है शूज़ हैं, ये 7 नंबर ही दिए हैं ना उसने, हाँ 7 नंबर ही दिए, शुक्र है, ट्रेड फेयर में कौन वापस जाएगा। तो ये है नॉर्मल से शूज़ है, बहुत ही लाइट वेट, ठीक है ऐसे, और ये वो शूज़ हैं ब्लैक कलर के लिए हैं, ठीक है, जस्ट स्लिप इन ऐसे ही करके आप इसको पहन सकते हैं। तो ये 700 रुपीज़ में हमको मिला है सेल प्राइस पे, पता नहीं कितने का था, उन्होंने 700 बताया। अच्छा और क्या लाए हैं हम, ये हम छोटी मोटी चीज़ें लाए हैं सेवियर कंपनी की ब्रांड की तरफ से, जो सेवियर का वहाँ पे स्टॉल लगा था,
तो वो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे ये सेवियाँ हैं, ये 100 रुपीज़ के 3 मिल रहे थे, तो ये इसमें 3 पैकेट सेवियाँ हैं, ठीक है। और क्या लाए हैं इसमें, क्योंकि उस बैग में कुछ अगरबत्तियाँ आ नहीं रही थी, तो कुछ अगरबत्तियाँ उन्होंने इसमें दी थी हरिदर्शन की ही, ठीक है। ये तो 2000 वर्थ का जो हमने आपको बताया, तो उसमें ये भी है, वो अलग से दिया था उन्होंने, क्योंकि जो है बैग पूरा भर गया था। हाँ, तो ये है सबसे आज का सबसे महंगा आइटम। ये हमारी मम्मी की साड़ियाँ हैं जो हमने मम्मी को दिलाई हैं, ठीक है। मम्मी को बहुत पसंद आई थी ये साड़ियाँ, तो हमारा मतलब मन उनका हमारा मन नहीं किया कि हम जो है छोड़ दें। हमारी मम्मी का एक टाइम पे जो है उनका मन वो हो गया था कि रहन देते हैं कि बहुत महंगा है, तो हम आपको ज़रा खोल के तो नहीं दिखाएंगे, होल्ड कौन करेगा। तो ये एक पहली साड़ी है, ठीक है। ये उन्होंने कुछ मलबरी सिल्क बताया था, लेकिन बिल्कुल प्योर सिल्क वाला फील आ रहा है इसमें, ठीक है। ये ऐसी साड़ी है, आपको तो पता, हम साड़ी नहीं पहनते, 11/11 देख लिया हमने। तो ये साड़ी है मम्मी की, और ये ना वो है, क्या कहते हैं, तो घर में है, हम मम्मी कर लेंगी, हम कर लेंगे जो भी है। ये ना डबल शेड में है, ये आप देखिए डबल शेड में है, ऐसी साड़ी है ये, ठीक है। बहुत लाइट वेट इसका फैब्रिक है, बिल्कुल प्योर सिल्क वाली फीलिंग आ रही है, कुछ मलबरी सिल्क बताया था। तो ये देखिए, वैसे कैसे लग रहे हैं हम जोकर ही लग रहे होंगे दूसरा दिखाते हैं, कमेंट करके बताइएगा नहीं, हमको बुरा नहीं लगेगा अगर आप हमें जोकर भी कहेंगे ना, तो भी बुरा नहीं लगेगा। आप हमारी फैमिली हैं, हमारे दोस्त हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप हमें कुछ भी कह सकते हैं। खुदा के नेक बंदों को ही जो है अलाउड है, बाकी जो आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे उनको हमको क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और ये साड़ी तो मतलब हमने छोड़ी ही नहीं थी, ये उन्होंने दिखाते ही हम पागल हो गए, हमने कहा मम्मी के लिए ये हम लेंगे ही लेंगे। तो ये साड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है, ये देख सकते हैं आप, और इसमें जो है ऐसे ये जो है कुछ ऐसे टैसल्स टाइप के लगे हुए हैं, और ये साड़ी तो मतलब गजब हमें लगी थी। और वो जो लड़का दिखा रहा था ना, वो खुद पे लगा लगा के दिखा रहा था, जब वो इतना अच्छा लग रहा था, सोचिए हमारी मम्मी कितनी अच्छी लगेंगी। तो और वो भैया भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, उनका जो है गुड लक टाइम था, वो कह रहे थे आप फर्स्ट कस्टमर है। पता है आज हम जिस 5 या 6 लोगों के गुड लक टाइम पे गए हैं, मतलब उनका फर्स्ट कस्टमर हम रहे। मसाजर भी हमने फर्स्ट कस्टमर की फर्स्ट वो फर्स्ट परचेज थी हमने की थी, और 900 वाला ये तो हमारी खुद की पहली परचेज थी, जाते ही हमने ये गारमेंट स्टीमर ही सबसे पहले खरीदा था, और वो भी स्टॉल लगा रहे थे, उनका भी ये जो है गुड लक का टाइम था, मतलब वो होता है ना बोनी वाला टाइम, तो वो उनका बोनी का टाइम था। और ये साड़ियाँ ये भी बोनी वाली टाइम पे ली थी हमने। तो ये है दूसरी साड़ी, ठीक है। ये शायद वो पल्लू होगा, लेकिन बहुत ग्रेसफुल लग रही थी मम्मी पे लगी हुई। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका गेटअप आएगा, और ये मतलब उन्होंने बोला कि हाथ से इस पर ब्लॉक प्रिंट करी हुई है, वो ऐसे नखून से उखाड़ उखाड़ के दिखा रहे थे। हाँ, वाकई में कलर तो नहीं निकल रहा है, मतलब अच्छा क्वालिटी का है जो भी है, और वैसे भी हमारा तो नखून ही नहीं है, जो भी है। तो ये है वो साड़ी, हमको तो ये इस साड़ी पे तो वाकई में बहुत दिल आ गया था, और हमने जो है हमने खरीद लिया, हमने कहा मम्मी को लिए ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऐसी दिखेगी ये साड़ी आपको, ठीक है, दिख रही है, ठीक है, नेवी ब्लू वाली साड़ी, ठीक है। इसका वर्थ हम टोटली बताएंगे आपको, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे था, थोड़ा कुछ ऐसे था, मतलब थोड़े अलग अलग प्राइसेस के थे, तो हमने जो है टोटल करके ही हमने जो है लिया, खरीदा है, बिल्कुल भी पैसे कम नहीं कर रहे थे। और हमने भी उनको बोला कि कर लो यार, पहले कस्टमर है हम, ऐसे करोगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा, तो हमने फिर छोड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया था, मतलब तो हमने नहीं छोड़ा, हम ले ही आए। तो एक है ये साड़ी, ठीक है, ये भी ऐसा ही है कुछ प्योर सिल्क में, मतलब वही मलबरी सिल्क कुछ बता रहे थे वो, बहुत लाइट वेट है, और इसका जो है ये कलर है, ये आप देखिएगा, मतलब बहुत ही अच्छा सा पैटर्न है इसका, ये रहा, ये इस तरीके की साड़ी है, मतलब पहनी हुई बहुत ग्रेसफुल लगती है ऐसी चीज़ें। और हमारी मम्मी को ना थोड़ी अलग सी चीज़ें पसंद आती है, वो वैसे चकमक 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 उनको ना दिक्कत होती है पहनने में, वो हमेशा थोड़ा
ये देखिए ये बहुत सिंपल होता है लेकिन ये काफ़ी रॉयल लुक देता है, मतलब एकदम लगता है कि कुछ अच्छा सा एलिगेंट सा पहना हो। तो ये इस तरीके की साड़ी है जो हमने मम्मी के लिए ये परचेज की है, ठीक है। तो ये तीसरा साड़ी है और ये है चौथी साड़ी, फिरोजी कलर की, उनकी फेवरेट कलर है ये, ठीक है। वो इसको ना वो रामा ग्रीन कह रहे थे, रामा ग्रीन कुछ ऐसे, और ये कुछ इस तरीके की दिखती है। ये भी वैसी ही है ग्रीन जैसी, बट इस पे ना ये कलर अलग है, बस ये कलर उनको तो हमेशा ही पसंद आता है, फिरोजी कलर तो वो छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी। तो वो ये साड़ी है एक, इसका ऐसा करके ये आता है पल्लू, और ये है इसकी साड़ी जो कि शायद पूरी साड़ी में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और उनको जो है वो भी दिखा रहे थे, मतलब जैसे होती ना जो साड़ियों में जो ऐसे करके नाच रही होती हैं, आदिवासी बने होते हैं, घोड़े हाथी और राजा महाराजा के ड्राइंग्स बनी होती है, हमारी मम्मी को वो पता नहीं पसंद नहीं आती, तो उनको ना ऐसा ही कुछ चाहिए था तो उनको ऐसा ही कुछ मिला है। तो ये साड़ी जो है सुबह सुबह उन्होंने दिखाई, हम बिल्कुल छोड़े नहीं, तो हमने एक ये भी परचेस की अपनी मम्मी के लिए। तो कैसे लग रहे हैं हम, वैसे कैसे ही लगेंगे, क्या ही किया है हमने, पहनी थोड़ी है, बस ऐसे दिखा रहे हैं आपको, वैसे भी हम पागल ही लग रहे हैं। तो ये है, और ये भी देख सकते हैं आप इधर से, इसका ऐसा करते हुए लुक आता है, इग्नोर कीजिएगा, वीडियो के बाद हम जो है फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, अच्छा अरे एक आदिवासी औरत ने हमको रोक लिया और उन्होंने कहा आपके जो है बाल बहुत झड़ रहे हैं, उन्होंने जबरदस्ती हमें ये जड़ी बूटी दी है 900 रुपए की, पता नहीं क्या है इसमें, चूरन है, उन्होंने बस बोला है कि लगा लो, तो हमने ज़बरदस्ती पकड़ लिया था यार। और फिर हम जब कहने लगे कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे करके पैक कर दिया, पहले बोला 200 रुपए, फिर जब पूरा पैक कर दिया ना तो बोलने लगी 900 रुपए का है ये, मतलब 1000 रुपए का हो गया आपका। हमने कहा 1000 रुपए क्या हो गया, अभी तो हमने बोला था 200 रुपए। तो उन्होंने कहा एक तोले का प्राइस बोला था, दो तोले का प्राइस बोला था, ऐसे करके कुछ बोला, हमको कुछ समझ में नहीं आया, पैक करके हमारे हाथ में थमा दिया। जब हमने कहा कि हमको नहीं लेना है तो हमको कहने लगी कि इतना गिरने की क्या बात है, क्यों इतना गिर रहे हो, जब हमने पैक कर दिया अब आप वापस कर रहे हो, हमको बहुत बुरा लगा। हमने कहा हमने गिर कहाँ रहे हैं, ऐसा कौन सा काम कर दिया, पर हमको नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो हमको बोलने लगी कि ले लो बेटा, ऐसे मत करो, अगर गंजे हो जाओगे तो क्या करोगे। तो हमने मन में सोचा कि ये सब तो भगवान का दिया हुआ है, गंजे होना ना होना हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो क्या ही कर सकते हैं। वो बहुत मतलब थोड़ी पुअर सी लेडी थी और उन्होंने स्टॉल लगाया था, कहने लगी कि हम हर साल आते हैं, जड़ी बूटियां हमसे लोग इतने सारे लेके जाते हैं, हाँ इतने इतने दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, आदिवासी गांव से आए हैं, ले लो, और जो है हम इतने मेहनत करके सांप बिच्छू से लड़ झगड़ के मतलब अपने आप को बहुत ही खतरे में डाल के हम जंगलों में जाते हैं और ये जड़ी बूटियां काट के लाते हैं, तो जो है इसका प्राइस इतना ही होता है ये वो। तो फिर हमने उनको बोला कि अच्छा एक बात बताइए, इतनी सारी जड़ी बूटियों का सर आपके बालों में भी तो होना चाहिए, आप भी तो गंजी हो। तो हमें कहने लगी कि नहीं, हम ना वहाँ पे बाल दान करके आते हैं तभी हमको जड़ी बूटी मिलती है। तो यार आपको तो पता है कोई भी कुछ भी बोल देता है, हमको तो पागल बना ही देता, हम तो वैसे भी चू बन जाते हैं ना, तो पता नहीं इन्होंने चू बनाया है कि पता नहीं क्या बनाया है, लेकिन हम बन गए या नहीं बने वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ उन्होंने जो है ये दिया है, उन्होंने बोला अपने सर पर लगा लेना, हम लगा लेंगे क्योंकि ये इसमें जो है कुछ नहीं है, कुछ चूरन जैसा ही है बस। तो वो तो हमको खोल के नहीं दिखा सकते ना, इसके अंदर आपको सच बता रहे हैं, और ये अभी खुलेगा फिर फोल्ड करेंगे तो इसके अंदर चूरन है जिसका पाउडर है, उन्होंने बोला है कि सर में लगाने के लिए। तो ये पता नहीं उन्होंने बोला 15 दिन का माल है, वैसे पता नहीं 15 दिन चलेगा कि नहीं, लेकिन इसकी वर्थ 900 रुपीज़ है। इसी पर अफसोस हुआ है हमें, बाकी और किसी चीज़ पर अफसोस नहीं हुआ, कोई बदबू तो नहीं है, हाँ मतलब इसी चीज़ पे हमें एक अफसोस हुआ है कि जो नॉट वर्थ इट हमें लग रहा है, कि बाकी सारा सामान हमें ऐसा लगता है कि ठीक है हमने खरीदा है, अपने पैसे लगाए हैं, बट इस पे पता नहीं। ओके, तो हमारे पर्स में भी है एक, वो हम दिखा देते हैं क्योंकि दो दो अलग अलग है ना, तो एक साथ ही दिखाएंगे क्यों, अलग अलग शॉप से हमने परचेज किया था। तो ये हमने एक ऐसा इयर रिंग लिया है, हम कैमरा इधर ले आते हैं ताकि हम आपको अच्छे से जो इयर रिंग्स है वो दिखा पाए, ठीक है। तो अभी आई होप हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अभी तो दिख रहे होंगे, हाँ दिख रहे हैं, अरे देख लो भाई ऐसे ही, ठीक है। तो एक तो हमने ये इयर रिंग लिया है, ये वाला, ठीक है। तो
वहाँ पे कुछ भी उठाओ, उन्होंने बोला 100 rupees each, पिक एनी फॉर 100। तो एक हमने ये वाले इयर रिंग्स लिए हैं, आपको तो पता है ना हमको ना इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं था ज़िंदगी में, कभी भी हमारे जो बहुत करीबी लोग हैं ना उनको सबको पता है कि हमें ऐसी चीज़ों का बिल्कुल शौक नहीं था। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती, अभी भी शौक नहीं है लेकिन जमा करना है, पता नहीं क्यों जमा कर रहे हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पहने हैं, पहने हैं। और जो अभी हमारे ब्रदर की एक फ्रेंड की मैरिज में हमने पहली बार ज़िंदगी में जो है ये सब चीज़ें पहनी थी, आपने देखा था ना वो झुमका जो जिसमें हमने छोटे छोटे शॉर्ट्स लगाए थे, एक छोटी सी लड़की थी प्यारी सी और वो घूम रहा था कैमरा, शॉर्ट्स वीडियो पे आप देख सकते हैं। पहली बार हमने ज़िंदगी में ये इयररिंग्स पहने हैं, तो हमारी मम्मी कहती है कि तुम पे सूट करता है, तुम पे अच्छा लगता है, तो तुम और भी ले सकते हो। तो उस वजह से जो है हमने एक ये परचेज़ किया है, ये वाला इयररिंग्स, ठीक है, 100 का है ईच, ठीक है, ये 100 के पेयर्स है। तो एक ये लिया है, ठीक है, हम अपने सब्सक्राइबर्स को दिखा रहे हैं कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है, हमने बोला था ना आपको दिखाएंगे, तो आपको तो पता है ना उसने वादे से मुकरते नहीं है। तो दूसरा है, अरे ये क्या हो गया भाई, एक तो हम अंधे हैं, मतलब हम देख के नहीं लाते चीज़ें ना, घर पे आके ही कुछ ना कुछ उसमें जो है नुक्स निकलता है, पर खैर जो भी है। एक ये है, वैसे कैसे लग रहे हैं हम पे, अच्छे लग रहे हैं, देखिए सूट कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं, अब तो खरीद लिए ना। तो ये है दूसरा, ठीक है, और ये तीसरा, ये हमें पता नहीं, उनका तो पता नहीं, लेकिन ये हमें पर्सनली बहुत पसंद आया था और हमने ये दूसरे स्टॉल से ख़रीदा है, ठीक है, दूसरे स्टॉल मतलब इसलिए हमने बोला ना कि एक पर्स में है कि इधर है, तो ये दूसरे हॉल दूसरे स्टॉल से ख़रीदा है, हॉल भी दूसरा ही था। तो ये है दूसरे वाले जो हमें बहुत अच्छे लगे थे, पता नहीं इन दोनों पे तो हमारा दिल ही आ गया था, तो हमने ये भी ख़रीदा है कहीं और से, किसी दूसरे स्टॉल से। तो ये ग्रीन कलर के कैसे लग रहे हैं, हमको ना ये वाला शेप चाहिए था, ये जो होता है ना जिसमें स्क्वायर आता है, और ये दोनों जो है डोम शेप के हैं जो बिल्कुल टिपिकल झुमकाज होते हैं ये वाले, बट हमको ना ऐसा वाला चाहिए था, तो ऐसा वाला मैं मिल गया फाइनली दूसरे स्टॉल पे, बट दिस लुक्स लाइक दिस। तो पता नहीं कैसे दिख रहे हैं, बंदर कुछ भी पहन ले, बंदर बंदर ही दिखता है। तो दूसरा है ये, ठीक है, अरे मतलब थोबड़े पे थोड़ा लीपा पोती कर लेंगे ना तो ये तब अच्छा लगेगा, अभी नहीं अच्छा लग रहा है। तो थोबड़े पे जो है हमको जो है वही हम बताते हैं ना, चूना पट्टी गोबर टट्टी लगा लेंगे तो हमारे थोबड़े पे तब ये ठीक लगेगा, अभी तो हम घर में ऐसे बने हुए हैं ना तो क्या ही लगेगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा आइटम, तो इसकी बर्थ है 300 rupees, थ्री पेयर्स। अच्छा नहीं, ये वाला 80 rupees का है, ये कहीं और से ख़रीदा था, वो दोनों 100 के हैं, तो 280 का है ये, मतलब टोटल ऑल टोटल 280 rupees। तो हमने ये भी आपको दिखा दिया, ओके ये जड़ी बूटी यहाँ रख देते हैं। और क्या है, अरे इस बैग में क्या है भाई, अरे ये बैग पता है हमारी मम्मी और हम दोनों मिलके खींच खींच के, मतलब एक हैंडल उन्होंने पकड़ा एक हैंडल हमने पकड़ा, क्योंकि ये सबसे भारी वो हुआ था, होगा भी क्यों नहीं भाई, इसमें ना ये देखिए ये सेवियर का स्टॉल से हमने ये ख़रीदा है, इसको कहते हैं जवे, जवे कहते हैं, वर्मीसली कहते हैं, जो भी है ये बनता है ना, तो ये वो है, ये भी पता नहीं, हेलो वैसे बदबू आ रही है इसमें है वो है। तो उसे भैया जैसे 100 के 3 थे ना, तो ये नहीं सेविया 50 के 3 थे, 100 के 6 थे 50 के 3, हमने 3 पैकेट लिए थे 50 rupees के, ये पता नहीं 150 के 3 थे, हाँ ये 150 के 3 है, हाँ 150 के 3 है। ये भी ये मैक्रोनी है, ठीक है, और ये भी हम 3 पैकेट ही लेकर आए हैं, मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी 3 पैकेट लेकर आए हैं हम, ठीक है, ये भी 150 के 3 हैं, 100 का एक बता रहे थे कुछ, 80 का 1 और 150 में 3, ऐसे कुछ ऑफर था। और अच्छा ये रहा दूसरा अनमोल का पैकेट, जो हम कह रहे थे ना 350 की बिस्किट्स लिए हैं हमने, तो ये रहा अनमोल का दूसरा पैकेट जिसमें बिस्किट्स ही बिस्किट्स हैं,
तो इसमें भी हम आपको क्या ही दिखाएं, वो ये बिस्किट्स है, नॉर्मल जो बिस्किट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग असॉर्टेड फ्लेवर्स में बिस्किट्स हैं। ज़्यादातर हम मीठा हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम जो है नॉर्मल बिस्किट्स लाए हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्या है भाई, ये भी अच्छा, ये भी सेवियर का ही सामान है, सेवियर का मतलब उसी स्टॉल से, बोला ना हमने आपको कि हमने इस शॉप पे कितना किया था, वर्थ इट सामान 410 बताया था उन्होंने, हमने 400 पे पूरी शॉपिंग की थी, जिसमें उन्होंने हमें वर्मीसेली दी थी और ये दिया था क्या कहते हैं पोहा, तो इसमें पोहा है 3 पैकेट पोहा, तो ये भी 150 के 3 ऐसे कुछ थे, ठीक है, तो ये पोहा। तो इस तरह से हमने सेवियर से भी इतनी शॉपिंग की है, पोहा लिया है, वर्मीसेली लिया है, और जो है सिवैयाँ भी ली है, और वो रोस्टेड वाली भी ली है, और मैक्रोनी भी ली है, ओके। नेक्स्ट आइटम इसमें क्या है भाई, हाँ इसमें क्या है ये, अच्छा ये जैम है, ओके, तो ये जैम है, उन्होंने हमको ये फ्री गिफ्ट दिया है, वैसे भी फ्री का माल लेने में मज़ा बहुत आता है भाई साहब, ये फ्री का आइटम है, ठीक है, जैम दिया उन्होंने, ये हनी है, हमें हनी ना थोड़ा सा अच्छा लगता है गर्म पानी के साथ, और सर्दियों का टाइम है ना, तो हम थोड़ा कभी चाय वाय में हनी डाल लेते हैं, तो ये एपिस कंपनी का है, एपिस हिमालय हनी, पहले भी हम एक बार ला चुके हैं, अच्छा होता है, तो ये लिया है 280 रुपीस का, ये दिया है उन्होंने 280 में, ये दोनों मिले हैं हमें 280 में, और उन्होंने हमको जो है ये गिफ्ट दिया है फ्री, जैम है इसमें, तो ये हो गया नेक्स्ट आइटम, ओके। भाई गए थे तो क्रीम तो भाई लगता ही है, सबको है घर में, सब थोपड़े अपने थोपड़े पे पोतते हैं सर्दियों में, तो आपको पता है ना थोड़ा वैसे ही फटाफट फूट जाता है, तो ये ख़रीदा है, तो ये रोज़ा ब्रांड का आता है, और आयुर वालों का ही होता है ये, लेकिन हम इनका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम लगभग 4-5 सालों से सामान लाते हैं रोज़ा ब्रांड से, तो हमें अच्छा लगता है, तो इसकी फ्रेग्रेंस भी पसंद आती है हमें, और बहुत ही सॉफ्ट सी होती है क्रीम, तो ये हम लोग घर में सब यही यूज़ करते हैं रोज़ा ब्रांड का सर्दियों में, वैसे तो हम अपने थोबड़े पे निविया क्रीम यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है बॉडी वॉडी पे लगाने के लिए जो सर्दियों में लोशन का काम करता है, तो ये भी अच्छा ही लगता है हमें, तो इसलिए जो है हमने ये परचेज़ किया है, और इसकी वर्थ है 250, ये एक 250 का है और बाय वन गेट वन है, तो ये 250 में हमें ये दोनों मिले हैं, और आपको पता है पिछले साल हम ये यहाँ से रोज़ा से करीब 1500 की शॉपिंग की थी, तो मान लीजिए 250 के साथ एक और 250 फ्री, तो 1500 में आप सोच सकते हैं कि शैम्पू वगैरह बॉटल्स खरीदे होंगे, अब ये जो है कितने, अरे ग्राम व्राम नहीं लिखा क्या इसमें, हाँ 500 ग्राम का है, और शैम्पू जो 1-1 लीटर की शैम्पू ली थी भाई साहब 10-12 किलो का, तो ये रोज़ा का सामान ही लिया था हमने, और हम लोगों की ये जो है ये झुक गई थी मतलब इसलिए इस बार हम मसाजर ले आए, तो ये है, ठीक है, इसकी वर्थ है 250, मतलब ये दोनों, ठीक है, बाय वन गेट वन 250 में ये दोनों मिले हैं हमें, ठीक है। एक दुकान पे हमको बहुत महंगा सामान मिला है, लेकिन क्योंकि हमको पसंद आ गया था इसलिए हमने छोड़ा नहीं। अच्छा ये है वनेसा का स्टॉल लगा था यहाँ पे परफ्यूम्स का, इस बार हमने परफ्यूम्स नहीं लिए क्योंकि हम कहीं जाते नहीं, और हमारे घर पे जो परफ्यूम्स रखे हुए हैं वो पड़े पड़े सड़ रहे हैं, और हम कहीं जाते तो है नहीं, आपको तो पता है घर पे ही हैं हम, इसलिए हमने परफ्यूम्स नहीं लिए, लेकिन रूम फ्रेशनर लिया है क्योंकि हमें बदबू बहुत आती है, तो ये है लवली, बहुत कम है यार इसमें तो, लवली लवली लैवेंडर वाला ये परफ्यूम लिया है हमने, ये 300 के 3 है, एक 170 का है, और अगर आप 3 परचेज करते हैं तो 300 में आपको 3 मिलेंगे, ठीक है, बाय फॉर मतलब 100 ईच अगर 3 लेते हो तो। ये रोज़ है, इसकी तो बिल्कुल गुलाबों वाली खुशबू आ रही थी इसकी, और एक ये है जस्ट जैस्मिन के नाम से, तो मम्मी को मोगरा बहुत अच्छा लगता है, रजनीगंधा भी था एक, तो वो भी अच्छा लग रहा था, बट हम 4 कैसे लें फिर, महंगा पड़ जाता है, इसलिए 3 लिए हैं, तो हमने यही 3 सेलेक्ट किए, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आइटम जो हमने परचेज़ किया है। अरे हमने साड़ियों के प्राइस बताए थे आपको,
साड़ियों का प्राइस टोटल 4 साड़ियां हैं 5200 में, यानी 5200 में हमको ये साड़ियां मिली है, और उन्होंने जो है फाइनल प्राइस 5600 बताया था, बट हमने उनको बोला 5600 नहीं हो पाएगा, हम राउंड फिगर करेंगे 5000, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और हम स्टॉल छोड़ने भी वाले थे। फिर उन्होंने जो है बोला कि 5200 लास्ट हो पाएगा, तो हमने कहा कि ठीक है, तो हमने ले लिया, क्योंकि ये साड़ी छोड़ने का हमारा मन नहीं था, हमारी मम्मी को बहुत पसंद आया था। तो फाइनली आई बॉट दिस। ये पता नहीं बैम्बू क्रॉकरी लगी थी वहाँ पे, वो कह रहे थे बैम्बू क्रॉकरी, तो पता नहीं ये किस चीज़ का है, बना हुआ है। जो भी है इसमें लिखा हुआ है इसके नीचे कि लिड प्लीज़ यूज़ विद लिड, डोंट यूज़ द लिड विद माइक्रोवेव ऐसे, बट हमको तो इसका कोई भी लिड नहीं दिया उन्होंने। अरे मतलब हम लिड छोड़ा है वहाँ पे, नुकसान हो गया लगता है। अब कोई बात नहीं, वैसे भी किलो पे उन्होंने तो वो करा था, खैर जो भी है ये बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए ना फ्लेमिंगो बना हुआ है इस पर, बहुत एंटिक सा लग रहा था। कह रहे थे बैम्बू क्रॉकरी है, वो कह रहे थे कि ये सब सामान जो है वो बैम्बू का बना हुआ है, पता नहीं अब किस चीज़ का बना हुआ है, बट हमें बहुत अच्छा सा लगा। तो ये हमने सिर्फ अपने लिए एक सिंगल सा ग्लास लिया है पानी वानी पीने के लिए, हमको ना ऐसी चीज़ें थोड़ी अच्छी सी लगती है, आपको तो पता है ना। और हमने ना ऐसा बोल लिए हैं दो मैक्रोनी और चाइनीज़ खाने के लिए। इसमें देखिए ये बना हुआ है चाइनीज़ कुंग फू तो ये ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल जूडो कराटे वाला फील आ रहा है। तो इसमें जो है हम नूडल वगैरह कुछ खाएंगे, मन कर गया हमको, कौन बना के देगा। और हम ये कुछ प्लेट्स लाए हैं, बैम्बू प्लेट्स, पता नहीं उन्होंने बोला बैम्बू प्लेट्स हैं, तो पहले हम एक ही ले रहे थे, फिर हमको जो है ये फ्लेमिंगो वाला, ये पहले हम यही ले रहे थे, फिर हमने देखा एक ये भी पसंद आया, हमने कहा मम्मी ये देखो ऑरेंज और नींबू बने हुए हैं, ये भी अच्छा सा लग रहा है ले लेते हैं, तो फिर हमने ये भी ले लिया। उसके बाद हमने किसी के हाथ में जो है ये वाला प्लेट देखा, तो हमने कहा मम्मी देखो वो भी अच्छा सा लग रहा है, तो मम्मी ने कहा हाँ लग रहा है तो देख लो ले लो, हमने तीन ले लिए। उसके बाद हमको किसी के हाथ में ये दिखाई दिया, ठीक है ये दोनों हमने देख लिए थे और ये दोनों हमने ले लिए थे, लेकिन हमको किसी के हाथ में ये दिखाई दिया और किसी के हाथ में ये दिखाई दिया। हमने मम्मी को बोला मम्मी दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, तो मम्मी ने कहा दोनों ही अच्छे हैं, हमने कहा दोनों अच्छे हैं तो दोनों ही ले लेते हैं तो हमने ये दोनों ले लिए, ठीक है। तो ये कुछ प्लेट्स है, ऐसी नॉर्मल सी प्लेट्स है, आप इसमें जो है कुछ भी खा सकते हैं, बैम्बू प्लेट्स कह रहे थे बैम्बू से बना हुआ है। ये कहाँ से बैम्बू से बना हुआ है ये पता नहीं, आजकल लोग झूठ भी तो बात बोलते हैं। तो ये जो है सामान ऐसे करके उन्होंने वजन करके दिया था, ये वेट के हिसाब से 550 लिए उन्होंने, नहीं 570 लिए हैं इनके, उन्होंने कम नहीं किए थे, और वो हमारा छोड़ने का मन नहीं किया। मम्मी कह रही थी क्या ही ज़रूरत है, क्या करेगी घर में है बर्तन, फिर हमने कहा मम्मी ले लेते हैं ना, अब ले लेते हैं, ले लिया देखो ले लिया। तो ये 570 या 580 का है, उन्होंने कम नहीं किए थे बिल्कुल भी, 570 या 580 है, हमें ठीक से याद नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है ना बार बार गूगल पे कर रहे थे ना, तो बार बार अमाउंट बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये हो गया हमारा सामान जो हमने खरीदा है, क्या ही बोले, इन्हीं में जो है, अरे नहीं और भी है सामान, ये क्या है, अच्छा अच्छा ओ अच्छा अच्छा सॉरी भारी, ये सिरामिक का जो है हमने हमारी मम्मी ने लिया है कुछ सामान, घी उनको जो है घी वगैरह रखने के लिए लिया है, और घी जो घर में ना बहुत दिक्कत होती है उनको सिरामिक का, आपको पता है ना सामान जो घी होता है वो चिपचिपा हो जाता, अरे क्या है, सॉरी उनको गुस्सा आ गया है हमारे को वीडियो के टाइम पे, देखिए ये है खोलते हैं, अब तो घर पे आ ही गए हैं तो इसको तो वैसे भी खोलना है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें,
ये देख रहे हैं ये ना ये लोग जानबूझ के करते हैं, पता है जानबूझ के करते हैं किसी को इरिटेट करने के लिए। एक जगह पे हमारे अच्छा ये है वो, ये मम्मी ने घी रखने के लिए लिया है, घी और जो चीज़ें होती है देखिए इसमें ना रिफाइंड ऑयल वगैरह रखने के लिए। पता है क्या होता है, हमारी मम्मी जिसमें रखती है ना उसमें वो पूरा चिपक जाता है, वो बिल्कुल भी छूटता नहीं है, उसको मम्मी रगड़ रगड़ के साफ़ करते बहुत दिक्कत होती है। तो वो सिरामिक का वो कुछ ऐसा ढूंढ रही थी घी और जो चिकनी चीज़ें होती हैं वो रखने के लिए, तो मम्मी को फाइनली जो है वहाँ पर ट्रेड फेयर में ये मिल गया। और चेक तो हमने वहाँ पर किया नहीं था, पैक था, हमने बोला सब अच्छा है ले जाओ, तो सही है बच गए, सही है। ये अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसी में रखा हुआ हो सकता है, खैर इसी में रखेंगे क्योंकि इसमें से तेल वगैरह गिरता रहता है ना। तो इसमें वैसे पिकल अचार भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी मम्मी जो है इसको घी और जो है वनस्पति या तेल वगैरह रखने के लिए ही इसका इस्तेमाल करेंगी। तो ये है और इसकी वर्थ 220 है, पता नहीं आप बताइएगा वर्थ, आप देख रहे हैं आपको पता होगा कि सबका सामान कि सबका क्या ही प्राइस होना चाहिए, तो आप बताइएगा कि आपको कौन सा ज़्यादा लगा कौन सा कम लगा है। इस ये 220 लिया है उन्होंने, 220 या 250 पता नहीं, 250 लिया है शायद। और क्या लाए हैं, हाँ ये भी सिरामिक का ही आइटम है, ठीक है। अरे इसे बांधने की क्या जरूरत है भाई, पूरा पॉलीथिन वेस्ट हो गया ना, फाड़ना ही पड़ेगा हमें। ये भी मम्मी ने जार लिया है, वही जो हमने आपको बताया ऑयल वगैरह रखने के लिए, ये ऐसे टेप से सील किया हुआ है, चेक भी नहीं कराया उन्होंने, कहा कि ये सील्ड है बिल्कुल ठीक पीस है। खैर अब तो घर आ गए, अब तो खोल के देख ही सकते हैं। अरे ऐसे कौन टेप लगाता है भाई, हाँ ठीक है। तो एक ये है वो जार जिसमें मम्मी ऑयल या घी वगैरह रखेंगी, ठीक है। ये 150 का लिया उन्होंने, ये हमें याद है अच्छे से, ये उन्होंने 150 का लिया है। ये जो है उसी का बड़ा साइज है, ये उन्होंने लिया है 250 का। सिरामिक के आइटम्स भी इतने महंगे हो गए आजकल, ये उन्होंने लिया है 250 का। तो इसमें भी मम्मी जो है वो कुछ ऑयल वगैरह का ही सामान रखेंगी। तो ये है वो जार, ठीक है, बहुत महंगा होता है और पता है ये सब चीज़ें अगर टूट जाती है ना तो बड़ा दुख होता है कि यार ये टूट गया गिर के, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सिरामिक के आइटम्स भी कुछ घर में काम आती है। तो ये वाला 250 का है और ये 150 का है, तो ये दोनों लिए थे हमने उनसे, एक ही शॉप से लिए थे। और ये तो हमने आपको बता ही दिया, ये 250 का है, ये वाला सेम शॉप से ही हमने ये चीज़ें परचेज की है, ठीक है। और हमने ये दरी ली है, दो दरी ली है जो हम आपको खोल के दिखाते हैं कैसी दिखती है। एक हमने ली है प्रेस करने के पर्पज़ से, क्योंकि चीज़ें ना रख के प्रेस करते हैं ना हम, जो स्टीम आयरन होती है, तो वो बहुत कलरफुल सी ली है, ये दरी ली है, ठीक है। इसका प्राइस उन्होंने जो है 300 बताया था, बट हम ये 250 में लाए हैं, ठीक है। इसी नॉर्मल सी है ये, और एक ये वाली दरी ली है, ये भी बहुत कलरफुल है।
तो ये भी 250 में ली है। उन्होंने ये 600 की दो बताई थी, बट हम वहाँ से चले गए तो उन्होंने हमें वापस से बुला के जो ये हमें दे दिया। तो ये हम 500 में दो लेके आए हैं दरी। और क्या लाए हैं हम? हाँ बस ख़त्म, माल ख़त्म। और इसी में जो है पैसा भी ख़त्म हो गया हमारा। अरे हाँ ये बचा है, ये वो आखिरी चीज़ है जो बची है, इसके अंदर ही थी। आपको पता है ना कि हमें ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ये कुछ एंटीक सा हमें दिखाई दे रहा था, जिसको लिए बिना ना हमारा मतलब दिल माना नहीं, तो इसलिए जो है हम इसको ले आए। आप इसकी जो चीज़ की वैल्यू है कारीगरी देख सकते हैं। एक तो ये काफ़ी हैवी है, बहुत हैवी है, इसका वेट काफ़ी है। ये ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल वुडन है, ये वुडन है, लेकिन इसके जो ये ड्रॉअर्स हैं ये सिरामिक के हैं, और ये ऐसे ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं। इसमें आप छोटी छोटी सी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए दिखाते हैं हम आपको, इस पर हम रखते हैं, ठीक है, ये आप देखिए, अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से। तो ये जो है ऐसा दिखता है ये, ठीक है, और इसमें से जो है ये ड्रॉअर्स ऐसे ओपन हो जाते हैं, ठीक है, तीन। ये हमें वर्थ इट लगा है, बिल्कुल सही प्राइस पे हमें ये मिला है। ये काफ़ी हैवी है, बहुत अच्छा है, और ये चीज़ें सिरामिक की हैं। छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। हमें तो ये बहुत देखते ही पसंद आया था, हमने मम्मी को बोला मम्मी ले ले क्या, तो मम्मी का कहाँ रखोगी, तुम्हारे कमरे में जगह कहाँ है? तो फिर हमने बोला कहीं भी रख लेंगे, अपने सर पे रख लेते हैं पर ले लेते हैं प्लीज़। तो मम्मी ने कहा अच्छा ले लो, मन कर रहा है तो हमने ये खरीद लिया। और इसकी वर्थ है 250, लग रहा है ये 250 में मिला है ये वाकई में। उन्होंने बोला लास्ट डे है, 500 में भी उन्होंने ये बेचा है, 400 लास्ट प्राइस पे ये बिका है, बट हमको ये 250 में मिला है। लास्ट डे था ना, और तीन ही पीस बचे थे, तो हमको ये सबसे अच्छा, मतलब सबसे अच्छा डिज़ाइन इसी का लगा, और हमने यही वाला पसंद किया है। तो शायद ये हमारे लिए ही वहीं पर रखा हुआ था, तो ये हम लेकर आए। तो ये थी हमारी ट्रेड फेयर की शॉपिंग, ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी हो। हम दिख रहे हैं, एक मिनट, हाँ। तो ये थी हमारी शॉपिंग जो हम ट्रेड फेयर से लेके आए हैं। हमने आपको बताया था कि हम आपको दिखाएंगे, तो हमने इसलिए आपको दिखाया। और आप ये देख सकते हैं ये सारा सामान अब फैल चुका है, हम इसलिए जो है अच्छे से आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे सामान किस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है सामान फैला हुआ है, यहीं तक रख दिया है, और टेबल पे भी जो है गारमेंट स्टीमर रखा हुआ है। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं, ठीक है, बाद में मिलेंगे रीडिंग पे। हे बहुत थक गए, पता है ट्रेड फेयर बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। आपने देखा होगा अलग अलग चैनल्स पे ट्रेड फेयर की बहुत अच्छे से जो है कवरेज की है यूट्यूबर्स ने, और बहुत अच्छी शॉपिंग होती है वहाँ पे। तो हम हर साल जाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो हम इस साल भी गए थे, तो इस साल भी हमारी शॉपिंग जो है काफ़ी अच्छी रही है। तो ठीक है, अभी मिलते हैं। लेकिन हमारा ना सच बताएं दो तीन आइटम हमारे रह गए जो हमें वहाँ पे ख़रीदने थे। एक टर्की के स्टॉल पे जाना था, इंटरनेशनल हॉल पे हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि इतना सारा सामान ऑलरेडी हो गया था, इनको ढोना मुश्किल हो रहा था टर्की के स्टॉल पे, फिर टर्की को कौन लेके आता हमारे साथ, तो इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया जाना। हम गए ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ना अगर हम जाते तो हम कुछ लाते ही, तो हम गए ही नहीं। खैर, तो ये थी आप लोगों के लिए हमने जो व्लॉग बनाया है, जिसमें हमने आपको सारा सामान दिखाया कि हम क्या क्या लेके आए हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कौन सा सामान कम जो है आपको थोड़ा ऐसा लगा कि महंगा लेके आए हैं, बट हमने पूरी कोशिश की है कि हम जो है सामान की मतलब वो करें, मतलब सही से। अब वो वैसे भी बहुत सही से बता रहे थे, अब इनमें क्या ही कम करा सकते, कुछ चीज़ों का तो उन्होंने खुद ही बता दिया था कि ये है, तो हमने बिल्कुल हमें वर्थ इट लगा, तो एक चांस में जो है हमने वो क्लियर भी कर दिया। बाकी कुछ कुछ सामान में जो है हमने बार्गेनिंग की है, फॉर एग्जांपल हमने जैसा कि आपको ये दरी बताई थी, तो ये 300 की एक बता रहे थे, हमने 250 लगवाई है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो अभी चलते हैं
और हमने आपको ए टू जेड सारी चीज़ें दिखा दी है, जड़ी बूटियों से लेके सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए रीडिंग पे, मिलेंगे अब हम आपको। और आज तो हम सुबह सुबह ही रीडिंग लेके आ गए थे, ठीक है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, साथे रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, बाय। पीछे हंटर लटक रहा है, पिटेंगे क्या, जाइए, बाय।